आज हम लोग बात करने जा रहे हैं किस चीज की, प्रोबेबिलिटी की। तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है, जैसे कि हम लोग निकालते हैं कि परसेंटेज की कितने कितने नंबरों में से कितना आया। तो परसेंटेज जो होता है वो क्या होता है, 100% जब हो जाता है तो उस चीज की चांसेस मतलब पूरी की पूरी होती है। अगर हम कहें कि दो सिक्के हैं हमारे पास, उसमें से हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है या परसेंटेज क्या है, तो या हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो 100% दोनों में से एक ना एक आएगा ही, जरूर आएगा। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, उसमें परसेंटेज में हम लोग 100 में लेते हैं चीजों को, 100 में लेते हैं, यहाँ प्रोबेबिलिटी में 1 में निकाला जाता है। 1 अगर किसी चीज की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाए तो इसका मतलब होता है वो चीज होगी ही होगी, और अगर उससे कम होता है, इसके करीब 1 के करीब जितना जाएगा उतने ज्यादा चांसेस हो जाएंगे होने के, और 1 से जितना दूर चला जाएगा उतना कम उसके चांसेस होंगे होने की। तो जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया है, अ बॉक्स कंटेन 5 रेड 8 व्हाइट मार्बल एंड 4 ग्रीन मार्बल। तीन तरह के इसमें मार्बल्स हैं, 5 रेड है, 8 व्हाइट है, 4 ग्रीन है मार्बल, ठीक है। 1 मार्बल एकदम से उसमें से निकाला जाता है पैकेट से, ठीक है, बॉक्स से या पैकेट से। इन द व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो हमने मार्बल निकाला है वो रेड हो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन रेड के लिए, तो रेड के लिए सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं, 5 + 8, 5 + 8 + 4, 8 + 4 = 12, 12 + 5 = 17, 17, ये तो हो गए टोटल आउटकम, ठीक है, टोटल मार्बल्स हो गए। और हमारे जो फेवरेबल आउटकम जो हमारे लिए फेवर में है, रेड के फेवर में है, रेड मार्बल्स हमारे पास कितने हैं, 5, ठीक है, 5। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल्स टेकन आउट, किसमें से रेड मार्बल निकले, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल नंबर अपॉन फेवरेबल आउटकम। तो ये हो जाएगा टोटल नंबर कितना, फेवरेबल 5 है और ये 17 है, ठीक है। तो अब अगर हम इसको क्या करें, डेसिमल में ये जाएगा, 5/7 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। अगर हम इसको और अगर करना चाहे, सॉल्व करना चाहे, तो ये डेसिमल में जाएगा, डेसिमल लगाया तो ये 0 हो गया। 17 2 = 34, 3 = 51 हो जाएगा, तो 2 = 34 हो गया, ठीक है। अब 34 और बचा कितना, 16 और ये 0, तो ये लगभग कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा लगभग, 8 की अगर हम 17 की टेबल 8 बार पढ़े तो कितना होगा, 17 की टेबल 8 बार, एट सेवन जा 56, 6 और कह रही है 5, 8 वन जा 8 और 8 5 13, 13 अगर 9 बार करें तो देखें, 9 बार करके देखें, 9 सेवन जा 63, 3 कह रही आया 6, 9 = 9 और 6, 9 और 6 15, 53, ठीक है, 9 बार जाएगा, ठीक है। तो ये 9 बस अब आगे नहीं ले जाएंगे, तो ये डेसिमल ये 1 से बहुत कम है, 1 का लगभग कितना है, 1/3 हिस्सा है, 1/3 से भी कम है, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, ठीक है। अब अगला हम देखते हैं, अगला अब रेड के लिए प्रोबेबिलिटी यहीं पर हम लोग छोड़ सकते हैं, यहीं पर, यहां पर, ठीक है, इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं, आगे डेसिमल में निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अब अगला देखें, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई थी, 5/17, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी। अब देखते हैं व्हाइट वाले की, व्हाइट टोटल आउटकम
टोटल जो है, टोटल आउटकम या टोटल नंबर ऑफ मार्बल, टोटल नंबर ऑफ मार्बल इज इक्वल टू कितने हैं, 17 है। अच्छा, हम लोगों का फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल वो होते हैं जैसे कि वाइट है, वाइट निकालना है, वाइट नंबर जितने भी वाइट मार्बल्स होंगे वो फेवरेबल हमारे फेवर में होंगे, फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू वाइट कितने हैं, 8। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 8/7। अच्छा, आप ये देखिए 5/7 और 5/17 और 8/17, तो अब किसकी आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, इसकी वाइट वाले की आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, 8/17। ठीक है, अब इसी तरीके से आप हम अगला देखते हैं कौन सा है, ग्रीन, ग्रीन की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ग्रीन फिर वही था, टोटल आउटकम, टोटल आउटकम इज इक्वल टू, टोटल आउटकम इज इक्वल टू कितना था, 17, और फेवरेबल, फेवरेबल ग्रीन के कितने हैं, 4। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 4/17। अच्छा, सबसे कम आने की प्रोबेबिलिटी किसकी है, ग्रीन वाले की चांसेस सबसे कम है और वाइट वाले के आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। तो इस तरीके से हमको पता चलता है कि क्या, किस चीज के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी ज्यादा है, तो ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी चीज ज्यादा पॉसिबल है कि ये आएगा ये आएगा। जैसे हम दो सिक्के उछालें तो अब उसमें हम पूछें कि दो सिक्के या एक सिक्का उछालें, तो एक सिक्का उछाला तो हमने एक सिक्के में या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, आउटकम कितने हैं भाई, 1, 2 फेवरेबल आउटकम है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफ हेड आउटकम, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की हेड आ जाए, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 हेड है और टोटल नंबर कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, तो हेड आने की भी प्रोबेबिलिटी हाफ होगी और टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, हाफ होगी। इसी तरीके से एक पासा उछाला जाए, पासा उछाला जाए तो पासे में कितने नंबर होते हैं, फेवरेबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम, कम कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि हम पासा उछाले तो उसमें क्या आ जाए, ऑड नंबर आ जाए, ऑड नंबर कौन कौन से, 1, 3, 5। ठीक है, ठीक है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑड नंबर, पॉसिबल ऑड नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, 3, 5 कितने हैं, 3 हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बिलिटी ऑफ ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, भाई टोटल नंबर कितने हैं, टोटल कितने हैं, 6, तो नीचे कर देंगे टोटल नंबर से, और फेवरेबल आउटकम क्या है, ऊपर रख देंगे, ये तो 3 हो गया, 3 1 3 3 2 6, तो ये भी आ गया, हाँ, तो ये फेवरेबल आउटकम, मतलब कितने चांसेस हैं कि उसमें ऑड नंबर आए, तो आधे आधे चांसेस हैं, आधे चांसेस है कि ऑड नंबर आएंगे, आधे चांसेस है कि इवन नंबर आएंगे। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में।